Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely great. आज मैं करने लगा हूँ Yamaha Writers Club पे registration, sign up करने लगा हूँ Yamaha Writers Club के लिए. तो Yamaha Writers Club की registration के लिए you need two things. First, आपके पास अपने motorcycle की registration book होनी चाहिए. और आप सबसे पहले ये करें कि आप registration book का जो main page होता है उसकी एक picture ले लें, जैसे कि ये मैंने picture ले ली है. और मेक श्योर कि आपकी जो पिक्चर आप ले रहे हैं उसका साइज 3 MB से ज़्यादा ना हो और उसको आप अपने सिस्टम में कॉपी कर लें. सेकेंड थिंग, यू नीड योर ड्राइविंग लाइसेंस. आपके पास वैलिड राइडिंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसका नंबर एंटर करना होगा. जब ये दोनों चीज़ें आपके पास हों तो उसके बाद अपना ब्राउज़र ओपन करें एंड सिंपली गूगल में आप जाके लिखें Yamaha राइडर्स क्लब. एंटर करें और सर्च रिजल्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है www.yamaha-motor.com.pk/yamaha-club, इसको ओपन करें एंड लेट इट लोड. दूसरा तरीका ये है कि आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको यही वाला लिंक जो है मिल जाएगा. आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पे आ जाएंगे. थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड. अच्छा, तो जनाब ये आ गया आपका Yamaha राइडर्स क्लब की वेबसाइट, उसका पेज. सीधा आप यहाँ पे देखें अपर राइट कॉर्नर में मेन वेबसाइट के साथ आपका साइन अप की ऑप्शन आ रही है. जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन. अब आपके सामने जो है बिकम अ क्लब मेंबर का जो है एक फॉर्म आ गया है. ये फॉर्म आ गया, इसमें आपको दो तरह की इन्फॉर्मेशन इनपुट देनी है. फर्स्ट इज़ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड द सेकेंड इज़ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर मोटरसाइकिल. तो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अपना जो है नाम लिखें, अपना लास्ट नेम अम्मार हुसैन, मोबाइल फ़ोन नंबर एंटर करें और अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करें और इसके बाद अपना ईमेल एड्रेस जो है आप एंटर करें. Then your CNIC. उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो है अपनी सिटी सेलेक्ट करें. ये मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया. एड्रेस में आप अपना स्ट्रीट एड्रेस, जो आपका हाउस एड्रेस है वो लिखें. एक्यूपेशन के अंदर आप, अगर आप स्टूडेंट हैं यू कैन राइट स्टूडेंट, अगर आप बिजनेस ओनर करते हैं तो आप बिजनेस लिखते हैं और अगर आपकी जॉब है तो आप जॉब लिख सकते हैं. तो फॉर माई केस मैं यहाँ पर अपनी प्राइवेट जॉब लिख रहा हूँ. जेंडर मेल फीमेल जो आपका है तो आप सेलेक्ट करें. देन एज के अंदर आपको ब्रैकेट्स दी हुई हैं. मिनिमम एज लिमिट इज़ 18, बिकॉज अगर आप अंडर 18 हैं, आपकी एज अभी 18 नहीं हुई तो लीगली यू आर नॉट अलाउड टू राइड अ मोटरसाइकिल. तो एज ब्रैकेट्स दी हुई हैं फॉर मी 26 to 30 मैंने सेलेक्ट कर ली. तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी कंप्लीट हो गई हैं. अब आ जाए व्हीकल इन्फॉर्मेशन पे. मॉडल सेलेक्ट करें YBR 125, 125G, YBZ जो आपका है. तो ये आ गया YBR 125G. यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, जो आपका बाइक का नंबर होता है, जो आपका प्लेट के ऊपर लिखा होता है. उसके बाद आपने अपनी बाइक का जो है इंजन नंबर इनपुट देना है और आपकी बाइक का इंजन नंबर आपकी बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर लिखा हुआ है. अब वहाँ से देख के जो है अपना इंजन नंबर इनपुट देंगे. देन आपने अपना चेसिस नंबर देना है. तो ये दोनों मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ. और अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो चेसिस नंबर है उसके अंदर आपने कोई डैशेस वगैरह या हाइफन वगैरह नहीं देना, क्योंकि अगर आप डैश देंगे उसमें बुक के अंदर, बाइक की रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर आपकी डैश डली हुई है लेकिन आपने यहाँ पे डैश इनपुट नहीं देना, क्योंकि अगर आप देंगे तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. इंजन नंबर भी आपने इनपुट दे देना है. उसके बाद आपने यहाँ पे परचेज़ डेट एंटर करनी है कि जिस डेट पे आपने जो है परचेज़ किया है. तो अब मेरे पास मेरी बाइक इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, तो इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर जो है कहीं पे भी आपकी परचेज़ डेट नहीं होती. अगर आपकी रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर है, अगर आपकी पंजाब का नंबर है, सिंध का है
या किसी और प्रोविंस का है, अगर आपके बुक के अंदर परचेज डेट मेंशन है तो आप वो लिखें, नहीं तो सिंपली जो है आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो होगी आप वो एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपने डीलर आउटलेट जहाँ से आपने बाइक परचेज़ की थी उनका नाम लिखना है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आप नीचे आ जाएं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर और यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करें। देन लास्ट स्टेप, आप जो है जो आपने पिक्चर ली थी ऑलरेडी, जो मैंने ये कॉपी की है या डेस्कटॉप पे, ये वाली पिक्चर जो आपकी रजिस्ट्रेशन बुक की है ये आपने अपलोड करनी है। चूज़ फाइल के अंदर जाएँ और लोकेशन सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दें। अब सबमिट करने से पहले मेक श्योर एक बार आप रिव्यू कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन को, स्पेशली आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल वगैरह, ताकि यहाँ आपसे कॉन्टैक्ट करे तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर हो वो ठीक से सिस्टम के अंदर इनपुट हो। तो चलें आप इसको सबमिट कर देते हैं।